व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू एवी गेम चैनल फ्री फायर की एक और एक्साइट वीडियो में शामिल। तो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फ्री फायर में आपने अपना सर्वर कैसे चेंज करना है। जैसे अभी आप अगर इंडिया के सर्वर में खेल रहे हो, या आपका इधर से कोई सिंगापुर का सर्वर है, कोई भी इधर से आपका सर्वर है, आप चाहते हो कि मैं किसी अदर सर्वर में जाके खेलना चाहता हूँ, या फिर उस अदर सर्वर में जाके अपडेट्स वगैरह लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो सर्वर में होती हैं वो पहले कुछ अदर सर्वर में जैसे इवेंट्स वगैरह आते हैं, फिर हमारे सर्वर में आते हैं। इस तरह से अगर आप इसके लिए अपडेट्स के लिए अगर आप अदर सर्वर चाहते हो तो वो भी इधर से आप बना सकते हो। तो ये आपने इधर सर्वर में अपना न्यू अकाउंट कैसे बनाना है, आज के वीडियो में आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर हमें चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूलिएगा, क्योंकि फ्री फायर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं आप सब तक लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको इसके लिए कैप यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इधर से पावर VPN, ये आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर आप इसे कर सकते हो इंस्टॉल और इसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने जब इंस्टॉल करने के बाद इसको आपने यूज़ करना है, इधर से प्रोटोकॉल 1 और प्रोटोकॉल 2 इस टाइप का इन्होंने कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दो मिलेंगे, इधर से आपने रीजन सेलेक्ट करना है जो सा भी आपको इधर से अच्छा लगता है। इनके मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रीजन देखने को आपको मिलेंगे, जैसे ये आप देख सकते हो इधर से फ्रांस, ब्राज़ील, स्वीडन और इस तरह से पोर्टल 2 में भी मुख्तलिफ इधर से आपको देखने को मिल जाएंगे। वियतनाम है, ताइवान है, सिंगापुर है, कोरिया है, जो भी जापान, जो भी आप चाहते हो अपना सर्वर रखना वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें। जैसे इधर से मैं कोई भी रख लेता हूँ, ब्राज़ील रख लेता हूँ। तो यहाँ पर इस इधर से आपने सेलेक्ट करना है जो भी आप रखना चाहते हो। तो नीचे एक स्टार्ट का बटन आपको देखने को मिलेगा, उसी जहाँ पर आपने सर्वर सेलेक्ट किया है उसी के नीचे आपको बटन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है तो आपका जो है वो सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप इसे नीचे करके ऊपर देख सकते हो, उसके ऊपर यहाँ पर VPN इज़ एक्टिवेटेड बाय पावर VPN। तो यहाँ पर नीचे किलोबाइट्स के बीट यहाँ पर इधर आप नीचे देख सकते हो, अभी यानी कि हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अभी हमने गेम को ओपन करना है और गेम को ओपन करते हुए हमने अपना सर्वर चेंज करना है। तो जैसे आप देख सकते हो अभी मैंने गेम ओपन कर लिया है। तो यहाँ से क्या करना है, आपने अपना गेस्ट अकाउंट लॉगिन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पहले गेस्ट अकाउंट है, अगर एक्स्ट्रा आपने वैसे फालतू का गेस्ट अकाउंट रखा हुआ है, अगर आप गेस्ट अकाउंट डिलीट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आई टैब पर एक वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक में डाल दूंगा कि आपने गेस्ट अकाउंट अपना कैसे डिलीट करना है। अगर आप अपना गेस्ट अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं तो आपको इधर से आई टैब पर और नीचे इधर से डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर ये देख सकते हो आपने अपनी जो है गेस्ट अकाउंट कैसे डिलीट करना है, अपना न्यू अकाउंट कैसे बनाना है। तो न्यू अकाउंट बनाते हुए जैसे इधर आप जो है वो अदर सर्वर में न्यू अकाउंट बनाना चाहते हो तो इसमें इसी वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ। तो यहाँ से यानी कि अगर आप इंडिया के सर्वर से खेलते हो, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे गेम, कोई भी न्यू अकाउंट बनाओगे वो इंडिया के सर्वर से ही बनेगा। तो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप जो है वो अदर सर्वर यानी किसी और रीजन से भी आप जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हो। तो अभी यहाँ से हम करते हैं, इससे मेरा अकाउंट बन चुका है, अभी यहाँ पर लॉगिन करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे मुख्तलिफ नेम्स आप देख सकते हो, अगर आप ऑटो रिफ्रेश कर चेंज करना चाहते हो, अपना नाम लिखना चाहते हो, अपना नेम भी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या नेम है, अपना नेम लिखने के लिए इधर से आपको, अगर आप कोई स्टाइलिश फ़ोन में अपना नेम लिखना चाहते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आई टैब पर और डिस्क्रिप्शन में के लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि आपने स्टाइलिश फ़ोन में अपना नेम को कैसे चेंज करना, अपने नेम चेंज कार्ड आपको कैसे मिलेगा, इस रिलेटेड भी आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हो अपने स्टाइलिश फ़ोन में नेम कैसे चेंज करना है वो भी इधर से आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अभी अकाउंट हमारा बन चुका है इधर से ब्राज़ील के सर्वर में। यहाँ पर आप इनके इवेंट्स वगैरह देख सकते हो, या आप देख सकते हो इनकी लैंग्वेज मुख्तलिफ है, ये इनकी ब्राज़ील जो लैंग्वेज है उसी में लिखा हुआ है इन्होंने, और इनके जो इवेंट्स हैं वो हमसे काफ़ी डिफरेंट हैं, इन कुछ हमसे जो है वो मिलते भी हैं। जैसे अभी इनका क्या नेम है, मास्टर शॉप हमारे भी आई हुई है, इधर भी आई हुई है, सेम चीज़ें आई हैं इसके साथ, ये रिचार्ज का है, और साथ में बहुत सारे इवेंट्स सेम भी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हमारे भी नहीं आए, कुछ ऐसे हैं जो इनके अभी आए हुए हैं और हमारे बाद में आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इनके और हमारे सर्वर में बहुत सारे चेंजेस हैं, हमारे स्टोर में, स्टोर के आइटम्स में और भी बहुत सारी चीज़ें में हमसे ये बहुत डिफरेंट है, प्राइस वाइज भी और भी बहुत सारी चीज़ों से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारे इधर से कटाना की भी स्किन नहीं आई है, इधर स्टोर में इनके स्टोर में अवेलेबल है, इमोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करेक्टर मिल जाएंगे जो अभी हमारे स्टोर में अवेलेबल नहीं है, और भी बहुत सारे स्टोर के आइटम जो हमारे भी नहीं आए हैं स्टोर में, इनके अवेलेबल है। तो मुख्तलिफ सर्वर्स का होता है ये, तो
ब्राज़ील का है। आप अगर इंडोनेशिया में बनाओगे, ताइवान में बनाओगे, थाईलैंड या कोई किसी भी अदर सर्वे में बनाओगे, वो इनसे डिफरेंट होगा। यानी कि कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जो हमारे इंडिया के सर्वे में अगर वो डायमंड में मिले हैं तो अदर सर्वे में कि शायद क्या पता वो आपको जो है वो गोल्ड में भी देखने को मिलेंगे। तो ताइवान में भी शायद जो भी कुछ कुछ अदर सर्वे में जो ऐसे भी हैं जो काफ़ी हमारे एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव जो बंडल्स वगैरह हैं वो उनको जो है वो गोल्ड में दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप अदर अकाउंट बनाना चाहते हो, अदर सर्वर में आईडी बनाना चाहते हो, तो इस ट्रिक को यूज़ करते हुए आप बना सकते हो। ये आप देख सकते हो इनके कलेक्शन में, फैशन में और भी बहुत सारा डिफरेंट है। यहाँ पर इधर से मैं इमोट भी आपको ये दिखा देता हूँ। ये बैक पैक्स हैं, ये इमोट, ये एफ एफ सी थोर्नी मोड जो हमारे अभी स्टोर में अवेलेबल नहीं है लेकिन इनके स्टोर में अवेलेबल है। और भी मोड्स जो हैं वो इनके स्टोर में आए हैं जो हमारे में अभी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मोड्स पर इन्होंने डिस्काउंट भी दिया हुआ है, जैसे 99 डायमंड्स में ये दे रहे हैं ऐसे ही कोई इवेंट वगैरह के बिना ही। तो जो पुराने मोड्स हो चुके हैं इन पर इन्होंने वैसे डिस्काउंट लगा दिया है। यहाँ पर आप पैड देख सकते हो, नीचे इधर से आइटम्स हैं। और रेडमी में आपको यहाँ पर मैजिक क्यूब शॉप दिखाता हूँ। तो ये फ्रेंड्स आप मैजिक क्यूब इनकी शॉप देखिए और इनके और हमारी इनमें कितना डिफरेंस है और हमारे में कितना डिफरेंस है। इनमें बहुत सारे बंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आर्टिक ब्लू का बंडल भी इधर से आपको देखने को मिल रहा है। और भी जो पुराने हमारे गुजर चुके हैं इनके भी गुजर चुके हैं, ये भी तक इन्होंने रखे हुए हैं लेकिन हमारे इन्होंने रिमूव कर दिए हैं। हमारे में कुछ चंद एक जो बंडल्स आपको देखने मिलते हैं मैजिक क्यूब शॉप में, बाकी ये चीज़ें वही हैं जो सेम सेम है तकरीबन। बस जो है वो प्राइजेस का है कि जो हमारे अगर 50 डायमंड में मिलती हैं इनकी 60 डायमंड में मिलती होंगी, या फिर हमारे 60 में मिलती हैं तो इनकी 50 में मिलती होंगी, इस तरह से डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो अदर सर्वर में, इसी ट्रिक को आप यूज़ करते हो अकाउंट बनाओ। अगर जैसे आपने अकाउंट बना लिया है अभी, जैसे मैंने भी अकाउंट बना लिया तो जो मैंने पावर वीपीएन किया था, अब आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हो क्यों ना, क्योंकि आपका अकाउंट बन चुका है। ये भी आप देख सकते हो मैं अपने अकाउंट पर दोबारा वापस भी आ चुका हूँ। आपका जो फेसबुक का अकाउंट होगा इसको इससे आपका कुछ भी नहीं होगा, यानी कि ये कोई नुकसान नहीं होगा, आपका वैसा का वैसे रहेगा। बस आपका न्यू अकाउंट बनेगा, आप अपने गैस में या फिर कोई नया गूगल अकाउंट पे आप किसी अदर सर्वर में अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हो, फेसबुक पर भी बना सकते हो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा आईडी है। तो फ्रेंड्स यदि फ्री फायर में अदर सर्वर में आईडी कैसे बनानी है इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे से रिलेटेड आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।